ब्रदर्स 80-83 ग्रुप ने कॉटरेलो भिवंडी किरण पाटिल और आरडी को शुभकामनाएं दी। गेंदबाजी के लिए अनंता को बुलाया गया है। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41, विकेट गिरी है 3। आज देखना है कि जेबी कप भिनार को कौन जीतता है, क्या ग्रामीण से आई हुई टीम घुड़सई बी या जो एक टीम बची है वो, क्या साइंस कारबाओ, क्या सोना देवी लॉजिस्टिक, क्या पॉइनियर या फिर आरडी। यहाँ से ठीक जब खेल खत्म होगा तो जेबी कप में घमसान शुरू होगा विजेता का। अनंता स्विंग एंड मिस। देखिए इस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो कोई तो ऐसा स्पॉट है। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। आमच्या उजव्या हाताला आमचे तिथेशी काही बॅनर जे आहेत, आमच्या डाव्या हाताच्या बाजूला जे बॅनर लागलेले आहेत प्रताप पाटील यांचा बॅनर आहे, तो बॅनर तिथून सोडायचा आहे आपण आणि त्या स्टँडमध्ये आपण येऊन बसायचं आहे। मुकेशमध्ये आपण तिकडे लक्ष द्यायचं आहे। आपण सुंदर शेठ नाईक यांच्या बॅनरच्या बाजूला बॅनर आहे प्रताप पाटील सरांचा। जाकर दीपेश माली ने कुछ कान मंत्र दिया है। अनंता ये उड़ाया 6 रन। यही कहूंगा कि घुस के मारिए। तैंतीस पे श्याम चौधरी शाम को सुहाना बनाते हुए। और देखना है कि BC4 सिटी क्रिकेट में इस सीज़न का पहला अर्धशतक आता या नहीं। पिछले सीज़न में आतिश बांबड़े ने पहला अर्धशतक लगाया था। ज्या पद्धति ने सर श्याम चौधरी फलंदाजी करते हैं, मला वाटते भिवंडी क्रिकेट सिटी क्रिकेट मतलब एक या हंगामातला सर्वाधिक धावसंख्या तो आपल्या नावावर करू शकतो। रॉक ऑफ टेमगर, टेमगर की चट्टान, इस मरतबा उछाल दिया पीछे खिलाड़ी और श्याम चौधरी आउट। ताकत नहीं मिली थी, लॉन्ग ऑफ पे पकड़े गए। स्कोर इस वक्त रुका हुआ है आरडी 4440 का 47 रन। ओवर नंबर 4 चल रहा है। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है। 4 विकेटें गिरी है। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं विजेंद्र। दीपेश माली से अब काफ़ी उम्मीदें रहेंगी कप्तान हिमांशु पाटिल को। हालांकि हिमांशु पाटिल भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। धनेश चषक 2019, धनेश को शिकस्त देने के लिए जो बल्लेबाजी उन्होंने की थी वो आज भी मुझे याद है। संतोष मडवी भी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन ये देखिए चले गए दूसरे मोहल्ले में वाइट। 48 पे पहुंचा है स्कोर। दीपेश माली अभी तक सरदर्द तो नहीं बने, एक चौका जरूर लगाया है। स्विंग एंड मिस, लेंथ गेंद थी और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी दीपेश माली ने। स्विंग एंड मिस। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए दीपेश माली के लिए।
इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर चाबुक छेड़न क्या खींच के मारा है और कह दिया उन्होंने अपने डगआउट की तरफ, एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। मुश्किल शॉट है, उसको कितने आसानी से फेंक दिया। इतना है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या की तरह मसल्स नहीं दिखाए, लेकिन हार्दिक पांड्या के मसल्स वर्ल्ड कप में नजर नहीं आए T20 में। एक और गेंद मैदान के बाहर, हाई एंड हैंडसम डाउन द ग्राउंड, ये देख सकते हैं आप, पतरा बजाओ शॉट। छोड़ेंगे स्कोर इस वक्त 60 रन 60। खतरे की घंटी बजा दी है दीपेश माली ने। ओवर कितने हुए? चार ओवर हो चुके हैं, 60 रन। क्या दोनों शॉट थे, आइए देखते हैं फिर से दोनों शॉट को। यह पहला सरदर्द था जो बैकफुट पे जाके उन्होंने फोर्स किया था, सीधा VIP डाइस पे, और ये दूसरा शॉट क्या है? तारा मंडल से गेंद आती हुई, सितारों से बात कर फिर आकर पतरे से टकराती हुई। आखिरी ओवर के लिए हरेश आए हैं, सामना करेंगे विजेंदर। अभी तक का साहिबा मोमिन बता रहे कि 72 हाईएस्ट टोटल है। सुबह में तो कहीं ना कहीं पिच में नमी रहती है और शाम होती है तो अब गेंदे इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएंगी। हरेश अभी पीछे गेंद कर रहे हैं, उनको सामने करना है। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, बैठक खेला है लेकिन नो मैन्स लैंड नहीं है। बढ़िया कैच, आउट हो गए विजेंद्र। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं, भावेश, जबकि सामना करें दीपेश माली। 5 गेंदे बची है, देखना है कि RD 4440 के स्कोर को कहां तक वो पहुंचाते हैं। हरेश दीपेश के लिए, इस मर्तबा फोर्स किया है 6 रन, क्या शॉट है, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। आपल्याकडे ताकद आहे तर ताकदीचा वापर योग्य देणं करणं गरजेचं आहे आणि यावेळेस त्या ताकदीचा योग्य वापर, लेकिन हाँ फटका है तो पूर्ण ताकतीने खेळलेला फटका होता। ताकत के साथ टाइमिंग प्लेसमेंट भी होना चाहिए, वरना सचिन तेंदुलकर 5 फुट 6 इंच के अंदर दुनिया नहीं फतह करते। एक और गेंद मैदान के बाहर, ये तो मानो ऐसी बल्लेबाजी करे मानो थप्पड़ लगा रहे।
उनके हाथ में अब बल्ले की जगह हथौड़ा नजर आ रहा है। 72 रन और 4 पे 4 ठोक डाले। आप देखिए सिक्सर लगाए तो 3 खिलाड़ी गेंदबाज को समझाने आए हैं। अब देखते क्या समझा है। स्कोर 72 रन है। हरेश, हालांकि इस ओवर में पहली गेंद पे विकेट लिया था उन्होंने। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, नीचे गेंद रही थी। कितनी गेंदें बची है साहब? आप 2 गेंदें बची है। तेज तर्रार गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही थी। ओ वाइट पे सिक्सर, लगभग वाइट गेंद थी और उसे पंच कर दिया कवर के ऊपर। 6 रन। जितने भी इन्होंने शॉट मारे एक भी शॉट ऐसा नहीं कि जो नहीं चाहेगा दर्शक। 10 बार देखना। एक तो कप्तान जाके हरेश को कुछ समझा रहे हैं गेंदबाज को, और एक डीजे मैन है कि उनके पीछे पड़े। बच के रहना रे बाबा। कमाल का कॉम्बिनेशन चलता हुआ। 70 यस, नो बॉल के लिए शायद अंपायर ने कॉल किया कि गेंद। यस अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर का कॉल है। गेंद क्या विकेट के बाहर पिच हुई थी? चला बाकी खेलाड़ू ने अपने अपने नो बॉल। ये तो अब दीपेश माली फ्री हिट का सामना। अगर इस गेंद पे दीपेश माली सिक्सर लगाते हैं तो बहुत ही लेजेंडरी क्रिकेटर और उनके भाई यशपाल माली की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम है। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 34 पे। कितनी गेंदें बची है? 2। कमाल के खिलाड़ी हैं। कौन भूल सकता है बाली ट्रॉफी को? बाली ट्रॉफी 2017 को आप भूल नहीं सकते हैं, जब आखिर की 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए थे, वहीं महिंद्रा के हार का कारण बने थे। हरेश, ओ बोल्ड कर दिया लेकिन आउट नहीं है, फ्री हिट है। एक बात तो है लेकिन फ्री हिट को बचाया वहां पर, सराहना करनी होगी। अच्छा कमबैक युवा गेंदबाज का। कितने टोटल हुए? 79 हो चुके हैं। 1 गेंद बची है। 34 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपेश माली। एक से बढ़कर एक शॉट। अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश और 80 का लक्ष्य। आइए कल के प्रोग्राम के लिए जगन्नाथ नाइक के पास। खेल की शुरुआत होंगी तो शुरुआती ओवर में आपके साथ मेरे साथ जुड़ जाएंगे।